तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज़ फ्रीक। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में 12 नवंबर को हो चुके डिज्नी प्लस डे में होने वाली सारी अनाउंसमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। तो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इवेंट में हुए नॉन मार्वल अनाउंसमेंट्स के बारे में। बेसिकली ये अनाउंसमेंट्स डिज्नी, पिक्सार, स्टार वॉर्स, हुलू से रिलेटेड है। तो इस इवेंट में हमें सबसे पहले बेमैक्स के बारे में बताया गया। इसके फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया गया। ये एक एनिमेटेड सीरीज़ होने वाली है जो कि समर 2022 में डिज्नी प्लस पे रिलीज़ होगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ आइस एज के न्यू पार्ट से है। इसके न्यू पार्ट का नाम आइस एज द एडवेंचर ऑफ बक वाइल्ड है। इस इवेंट में हमें आइस एज का फर्स्ट लुक एंड ऑफिशियल टीजर ट्रेलर देखने को मिला। ये मूवी 28 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ डिज्नी प्लस पे भी रिलीज़ होगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ डिज्नी के एनिमेटेड मूवी डायरी ऑफ अ विंपी किड से है। ये एक डिज्नी प्लस ओरिजिनल मूवी होने वाली है। ये एक एनिमेटेड डिज्नी प्लस ओरिजिनल मूवी होने वाली है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ डिज्नी प्लस पे 3 दिसंबर को रिलीज़ होगी। इस इवेंट में इसके ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया गया। तो नेक्स्ट न्यूज़ डिज्नी के मूवी द प्राउड फैमिली लाउडर एंड प्राउडर से है। तो इस इवेंट में इस मूवी के फर्स्ट लोगो एंड ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया गया। ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ डिज्नी प्लस पे फरवरी 2021 में रिलीज़ होगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्रीपी बाय द डजन के रीमेक से है। तो इस इवेंट में हमें इसके फर्स्ट ऑफिशियल लोगो को देखने को मिला एंड अनाउंसमेंट की गई। इस मूवी में हमें गैब्रियल यूनियन एंड जैक ब्रफ देखने को मिलने वाले हैं। ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मार्च 2022 में रिलीज़ होगी। तो नेक्स्ट अपडेट इंचेंटेड मूवी के सीक्वल डिसचेंटेड से है। तो इस इवेंट में हमें इसके फर्स्ट लुक ऑफ लोगो को देखने को मिला। इस मूवी में हमें एमी एडम्स दिखने वाली हैं। ये मूवी 2022 के एंड तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट चिप एंडल रेस्क्यू रेंजर्स से है। तो इस इवेंट में इसके फर्स्ट ऑफिशियल क्लिप के साथ साथ इसके फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर को भी रिलीज कर दिया गया। ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड डिज्नी प्लस पे 2022 में प्रीमियर होगी। तो नेक्स्ट मूवी डिज्नी के हुकस पुकस 2 से है। तो इस इवेंट में इसके फर्स्ट ऑफिशियल लुक को रिलीज कर दिया गया। ये मूवी डिज्नी प्लस एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 2022 के एंड तक रिलीज होगी। तो नेक्स्ट अपडेट पिनोकियो के लाइव एक्शन रीमेक से है। तो इस इवेंट में हमें पिनोकियो का ऑफिशियल लोगो देखने को मिला। इस मूवी में हमें टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे एंड इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए रॉबर्ट ज़िम्बिस्की आएंगे। ये मूवी 2022 के एंड तक डिज्नी प्लस के साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट डिज्नी प्लस के ओरिजिनल सीरीज वेलकम टू अर्थ से है। तो इस इवेंट में हमें इसके ऑफिशियल पोस्टर्स के साथ साथ इसके ऑफिशियल ट्रेलर को भी दिखाया गया। इसमें हमें विल स्मिथ दिखने वाले हैं। ये सीरीज 8 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट डिज्नी प्लस ओरिजिनल मूवी स्नेकरेला से है। इस इवेंट में हमें इसके ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ इसके ऑफिशियल पोस्टर को भी दिखाया गया। ये मूवी 18 फरवरी 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ डिज्नी प्लस पे भी रिलीज होगी। तो नेक्स्ट अपडेट हाई स्कूल म्यूजिकल द म्यूजिकल सीरीज सीजन 3 से है। तो इसके सीजन 3 को इस इवेंट में रिन्यू कर दिया गया है। ये सीरीज 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होगी। तो नेक्स्ट अपडेट डिज्नी के द स्पाइडरविक क्रॉनिकल से है। तो इस इवेंट में स्पाइडरविक क्रॉनिकल के न्यू लाइव एक्शन सीरीज को अनाउंस कर दिया गया। ये मूवी जल्द ही डिज्नी प्लस के साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट मूवी डिज्नी एंड पिक्सार के एनिमेटेड मूवी कार्स से है। तो इस इवेंट में इसके न्यू पार्ट कार्स ऑन द रोड के ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट के साथ साथ इसके ऑफिशियल लोगो को भी रिलीज कर दिया गया जो अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये मूवी 2022 के एंड तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ डिज्नी प्लस पे भी रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूज स्टार वॉर्स सीरीज ओबी-वन केनोबी से है। तो इस इवेंट में हमें इसके फर्स्ट लुक लोगो कॉन्सेप्ट आर्ट को रिलीज कर दिया गया जो अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये सीरीज 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ डिज्नी प्लस पे भी रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट डिज्नी के मूवी जूटोपिया के सीक्वल जूटोपिया प्लस से है। ये एक शॉर्ट सीरीज होने वाली है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ डिज्नी प्लस पे रिलीज होगी इन 2022। तो नेक्स्ट अपडेट 21 सेंचुरी स्टूडियोज के मूवी द
प्रिंसेस से है। तो इस इवेंट में हमें इसके फर्स्ट ऑफिशियल लुक के साथ साथ इसके फर्स्ट ऑफिशियल लोगो को भी रिलीज कर दिया गया। ये मूवी 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ हुलू पे भी रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट प्रे मूवी से है। ये मूवी प्रीक्वल है प्रीडेटर की। तो इस इवेंट में इसके फर्स्ट लुक एंड ऑफिशियल लोगो को रिलीज कर दिया गया। बात की जाए स्टोरी की तो इस मूवी में हम देखने वाले हैं 300 साल पहले की कहानी, जब धरती पे आदिवासी लोग रहते थे और उसी वक्त प्रीडेटर्स अर्थ पे अटैक करते हैं। ये मूवी हुलू पे 2022 के समर्स में रिलीज होगी। तो अब चलिए बात करते हैं मार्वल रिलेटेड अनाउंसमेंट्स के बारे में। तो इस इवेंट में हम शी हल्क के फर्स्ट लुक एंड टीजर को देख सकते हैं। इसके स्नीक पीक में हमें ब्रूस बैनर भी देखने को मिले। ये मूवी 2022 के शुरुआत तक रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि इस इवेंट में मून नाइट के फर्स्ट ऑफिशियल लुक एंड टीजर को भी रिलीज कर दिया गया। ये सीरीज मिड ऑफ 2022 डिज्नी प्लस पे रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है मिस मार्वल से। तो इस इवेंट में मिस मार्वल के फर्स्ट ऑफिशियल लुक को रिलीज कर दिया गया। ये सीरीज 2022 के समर्स तक रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट डिज्नी प्लस के ओरिजिनल सीरीज सीक्रेट इन्वेजन से है। तो इस इवेंट में हमें सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट लुक को रिलीज कर दिया गया। हमें इसके फर्स्ट लुक में निक फ्यूरी का भी कैरेक्टर देखने को मिला, जो काफी अलग लग रहा है। ये सीरीज 2022 के एंड तक डिज्नी प्लस पे रिलीज हो जाएगी। तो इस इवेंट के फर्स्ट अनाउंसमेंट एक्समैन के न्यू एनिमेटेड सीरीज एक्समैन 97 से है। इसके फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर को रिलीज कर दिया गया, जिसमें हम वुल्वरीन को देख सकते हैं। ये एनिमेटेड सीरीज एक कंटिन्यूएशन है जो एनिमेटेड सीरीज 1997 में बंद हो गई थी। ये सीरीज 2023 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट मार्वल स्टूडियोज मार्वल जॉम्बीज से है। तो ये एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है जो अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है। तो नेक्स्ट अपडेट मार्वल के हॉकाई स्पिन ऑफ सीरीज इको के न्यू ऑफिशियल लोगो को रिलीज कर दिया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट स्पाइडरमैन के एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर्स से है। तो ये सीरीज अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है। तो इस सीरीज में हमें बेसिकली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ओरिजिन दिखाई जाएगी, बट इन एनिमेटेड फॉर्म। तो नेक्स्ट अपडेट इस इवेंट में व्हाट इफ के सीजन 2 को रिन्यू कर दिया गया है। उसके साथ साथ इसके फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर को भी रिलीज कर दिया गया है, जो अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट वांडा विजन के स्पिन ऑफ सीरीज एगेथा हाउस ऑफ हार्कनेस सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है। ये सीरीज अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है। इस इवेंट में हमें लोकी के सीजन 2 के पोस्टर को भी रिलीज कर दिया गया, जो अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो यार एंड में ये कुछ मार्वल के अपकमिंग मूवीज एंड सीरीज के पोस्टर्स हैं, जो अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो यार ये थी वो सारी अनाउंसमेंट जो इस बार डिज्नी प्लस डे पे रिलीज़ की गई। आप मार्वल या डिज्नी के किस अपकमिंग मूवीज़ एंड सीरीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यार आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मूवीज़ फ्रीक। मॉर्बियस की ओरिजिन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और पीस मेकर की ओरिजिन वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।